स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोस पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखिए, जल्दी से एक बारी बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज ना लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है? आज एसएससी एमटीएस नहीं है, आज लाइव टेस्ट है। 50 क्वेश्चन आप सभी के सामने, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 50 क्वेश्चंस, ठीक है? तो सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्या मैं विजिबल हूं? हाँ, विजिबल हूं मैं सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपना लूसेंट सीरीज हम करेंगे, ठीक है? ऑन टाइम जो अपना रहता है लूसेंट का क्वेश्चन, वो लूसेंट का क्वेश्चन बराबर बराबर करेंगे 5 बजे वाईफाई स्टडी पे। लाइव टेस्ट जो है सब कुछ होगा एज इट इज, जो है अपना अकेडमी की टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे प्लस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, जब आप प्लस कोर्सेज में आते हैं तो आप पर्टिकुलर कुछ ऐसे एजुकेटर हैं जिनसे अगर आप प्लस कोर्सेज में पढ़ गए तो आप सिलेक्शन ले गए, ठीक है? टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप बैच है, 17 मार्क्स से लेव हुए, ठीक है? और सब कुछ अवेलेबल है इसमें यार, इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? सब्जेक्ट कंप्लीट, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं लाइव ओमन रेफर कोड यूज करके, ठीक है? ठीक है, चलिए। आपको क्या करना है कि आपको एसएससी गोल सेलेक्ट करना है जब भी आप अनअकैडमी जुड़े, ठीक है? कर लीजिए। आज क्या तारीख है? आज 13 है ना, तो 18 तारीख से पहले एक्सेस करिए, मन सेलेक्ट करिए, रेफर कोड यूज करिए लाइव ओमन, ठीक है? लाइव ओमन रेफर कोड यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वैक्यूम पंप की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा, ठीक है? कि वैक्यूम पंप जो है इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा सारे के सारे। आज टेस्ट है भाई, आज तो खुद आप बताएंगे, ठीक है? मैं कुछ नहीं बताने वाला, खुद आप बताइए आपका आंसर क्या है, ठीक है? जल्दी से बताइए, ठीक है? जल्दी से बताइएगा कि वैक्यूम पंप की जो इन्वेंशन है वो किसके द्वारा की गई थी। शेयर करना सेशन, ठीक है? सारे के सारे सेशन को शेयर करो और जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ऑटोमन ग्यूरिक के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटोमन ग्यूरिक के द्वारा वैक्यूम पंप जो है इसकी इन्वेंशन की गई थी, पूछा जा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। हाँ जी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, जल्दी से बताइए, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पद पाया, जल्दी से कमेंट दे दीजिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू, ठीक है जल्दी से बताइए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने क्या है ओलंपिक मेडल जो है जीता, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है? कि भाई किसने ओलंपिक मेडल जीता, तो आंसर क्या होगा बेटा? कर्णम महालेश्वरम जो है, ठीक है, दिमाग में, मलेश्वरी जो है, कर्णम मलेश्वरी जो है, इनके द्वारा जीता गया। और पीटी उषा क्यों लगा रहे हो भाई? पीटी उषा एथलीट, ठीक है, किससे संबंधित है, कब उन्होंने जीता है, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन को देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर आर गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, किसी भी अगर ऐसे डिवाइस की बात करूं जैसे एग्जाम्पल कंप्यूटर, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो इसमें से कौन से पार्ट से मिलते हैं, जल्दी से बताइए। इनपुट यूनिट से मिलते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से मिलते हैं, प्रिंटर से मिलते हैं, ऑब्वियसली पेन ड्राइव से तो नहीं मिलते होंगे, प्रिंटर से तो नहीं मिलते होंगे, इन दोनों में से आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पर्टिकुलर लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट यूनिट से मिलते हैं, ठीक है? जैसा प्रोसेसर होगा उन सबसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बताइए, देश में चार तरीके के पावर, एक यूनियन लिस्ट की पावर, एक स्टेट लिस्ट की पावर, एक समवर्ती सूची की पावर, और जो इन तीनों में नहीं आता ना वो आता है रेजिडरी सब्जेक्ट, ठीक है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची जो है, इसके बाद जो कुछ भी बच गया वो आता है रेजिडरी पावर, ठीक है? अब ये रेजिडरी पावर किसके पास,
जल्दी से बताइए रेजिडेंट पावर किसके पास है, कमेंट करिए है ना। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, शेयर करिए सेशन को, जल्दी से कमेंट करिए कि रेजिडेंट पावर ठीक है किसके पास है, जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है बेटा, रेजिडेंट पावर किसके पास है, तो याद रखिए इस पावर में। पहले एक बार आंसर बताओ, जो बच्चे बोथ बता रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं यार। अगर बोथ ही बताते, बोथ ही होता तो वो कॉन्करेंट में आ जाता ना, अगर बोथ ही होता तो वो तो कॉन्करेंट समवृत्ति में आ जाता, समवृत्ति सूची का काम अगर बोथ इसका भी होगा आंसर समझ रहे हो, अगर बोथ ही होता तो समवृत्ति सूची में आ जाता आंसर। क्या है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडेंट पावर किसके हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, कैनेडा से लिया ठीक है, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, कैनेडा से लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, शेयर करिएगा सेशन ठीक है। बताइए प्रोडक्शन फंक्शन सिग्निफाइज व्हाट, जल्दी से बताइएगा ठीक है। उत्पादन जो है ये क्या दर्शाता ठीक है, उत्पादन किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है किस चीज को दर्शाता, जल्दी से बताइएगा। प्रोडक्शन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन किस चीज को दर्शाता, आंसर क्या है इस क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये देखो प्रोडक्शन ठीक है, प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ठीक, किसको, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ऑब्वियसली ठीक है। देखो कैसे हमें ये चीज पता चलेगी कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन को दिखाता है, क्योंकि ना बाकी सब गलत है। सोशल रिलेशन कहां से प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन तो इंडस्ट्री में होगा ना, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म किसके लिए यूज होता है। देखो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है ठीक है, CHCl3 जो है ठीक है, CH3Cl जो है ये अपना क्लोरोफॉर्म जो है किसके लिए यूज होता है, जल्दी से बताएगा। पहले तो ये बनता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इस पे क्वेश्चन आता है, सवाल अभी ये पूछ रखा है कि क्लोरोफॉर्म किस में यूज होता है, इसका काम क्या है, जल्दी से बताएगा ठीक, किस चीज में काम आता है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या, बताइए आंसर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म किस चीज में काम आता है। क्लोरोफॉर्म काम आता है किसमें ठीक है, आंसर क्या है, एनेस्थेटिक ठीक है, एनेस्थेटिक इसका आंसर है ठीक है। चलिए एनेस्थेटिक इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी को किसी एजुकेशन पर्पज से कुछ पूछना है तो आप मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है फॉलो आंसर ऑन अकेडमी, वहां पे जाए प्रोफाइल फॉलो करें, और उसके साथ ही आप क्या है उसमें आप मुझसे क्या है अनअकैडमी पे पूछ सकते हैं ठीक है, उसमें मैसेज बॉक्स होता है ठीक है। आंसर द फर्स्ट एशियन कंट्री जो मार्स तक पहुंची होती है, एशियन कंट्री की बात हो रही है ठीक है, तो अपना एशियन कंट्री में तो भाई एक ही आंसर होता ठीक है, मार्स तक पहुंचने वालों ठीक है, फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द मार्स ठीक है, जल्दी से बताइए। नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्कार सभी को ठीक है, जल्दी से बताइए एशियन कंट्री कौन सी है जो कि मंगल ग्रह तक पहुंचे। ठीक है चलिए आंसर क्या है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसका आंसर चाइना बताने वालों, यार चाइना ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन चाइना मंगलयान तक नहीं पहुंचा ठीक है, याद रखिएगा इंडिया इसका आंसर है ठीक है, भारत ही पहुंचा अभी तक, चाइना तो एक बार भी नहीं पहुंचा ठीक है, पहली बार की तो बात अलग है, फर्स्ट टाइम की तो बात अलग है, फर्स्ट टाइम तो छोड़ो चाइना एक बार भी नहीं पहुंचा ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, मरियम मिर्जा खानी रिसेंटली पास्ट अवे, और ये किस फील्ड से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित थी, जल्दी से बताइए ठीक है, जल्दी से बताइए किस फील्ड से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है। मरियम मिर्जा खानी जो है किस फील्ड से संबंधित थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछते आते हैं तो फिक्स रखो इन्हें कि भाई मैथमेटिक्स का आंसर है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। आपसे ये भी पूछा आता है कि मैथमेटिक्स से संबंधित कौन सा प्राइज है, तो इस पे क्वेश्चन आता है एबल्स प्राइस पे ठीक है, एबल्स प्राइस पे क्वेश्चन आता है ठीक है, याद रखिएगा एबल्स प्राइस पे क्वेश्चन आता है ठीक है, तो एबल्स प्राइस याद रखना, और बाकी ये मैथमेटिशियन वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, शेयर करना सेशन को सारे के सारे जल्दी से ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर। अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक प्लेग्यू था, ब्लैक डेथ, एक एपिडेमिक बना, एपिडेमिक का इधर मतलब क्या, देखो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है
एपिडेमिक जो एक पर्टिकुलर जगह में फैले, कहने का मतलब यूरोप में फैला हुआ, ठीक है, एग्जांपल यूरोप में ये फैला, ठीक है, ब्लैक डेथ। सब सवाल ये पूछा कि कौन से वर्ष में फैला था। कौन से वर्ष में फैला ये, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर के, ये कौन से वर्ष में फैला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, आंसर इसका 1348, किसमें 1348 में फैला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा, ठीक है, 1348 में फैला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये कोरोना वायरस के चलते जो पुराने कोई ऐसे एपिडेमिक आए, पेंडेमिक भी कभी आए, तो ये सब चीजें ना उनके ईयर कब फैला वो सब चीजें ना हमसे पूछी जा सकती, ठीक है, पूछी जा सकते हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये पॉसिबल है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। आमिर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, जल्दी से बताइए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करने, ज्यादा समय नहीं देना क्लास में, ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चन। आमिर खुसरो जो है किसके दरबार में एक फेमस कवि थे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर के, ठीक, किसके दरबार में एक फेमस कवि थे, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कि आमिर खुसरो जो है किसके दरबार में एक फेमस कवि, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का अलाउद्दीन खिलजी, किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और 100 बार ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमें पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आमिर खुसरो जो है एक फेमस पोएट, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है, दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको ये 10 बजे का करंट अफेयर कराऊंगा, ठीक है, अन अकेडमी पे होगा आपका, अन अकेडमी की क्लास लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरा प्रोफाइल फॉलो करना, फ्री क्लास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, लिखा फॉलो आंसर ऑन अकेडमी, तो उसको लिंक को ओपन करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, आप उसमें लाइव अमन रेफर कोड यूज करके एंटर कर देना फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, होम रूल लीग मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जल्दी से, किसके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, जल्दी से, दो व्यक्ति ने कराई है ना, सभी जानते हैं दो व्यक्ति के द्वारा ये लीग स्टार्ट की गई, ठीक है, पहला जो है इसमें आंसर दे रखा, दूसरा नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, चलो पहले ही बताओ, ठीक है, पहले ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, देखो होम रूल मूवमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है, और एनी बेसेंट के द्वारा भी, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा भी, एनी बेसेंट के द्वारा भी, ठीक है, तो ये दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है होम रूल लीग मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई, ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के फादर किसे कहा जाता है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा मुश्किल है, आधुनिक भारत के जनक कौन कहलाते हैं, जल्दी से, आधुनिक भारत के जनक कौन कहलाते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी से बताइए, बड़ा मैं लाउड नहीं बोल रहा ज्यादा, सो डैट कि मेरा गला रेस्ट पे रहे, ठीक, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, अब राजा राममोहन रॉय दे रखा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है, गलती बहुत सारे इसमें भी करते हैं कि बच्चे इसमें विवेकानंद लगा के आते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा राजा राममोहन रॉय थे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, राजा राममोहन रॉय को कहा जाता फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, जल्दी सोचिएगा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है किसके द्वारा दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है किसके द्वारा दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करेगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया, चलो बताओ आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसके द्वारा दिया हमें पता होना चाहिए, ठीक, कमेटी की बात हो रही है तो कमेटी तो बता ही सकते हो, ठीक है, मैंने आपको दो तीन कमेटी वैसे ही पढ़ा रखी है, ठीक, कोठारी कमीशन इसका आंसर है, कि भाई कोठारी, ठीक है बेटा, रजमनाथ जो कमेटी है उसके द्वारा नहीं, कोठारी कमीशन के द्वारा जो है इसके द्वारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए विद विच कंट्री इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, ठीक, इससे सरल सवाल कहीं पे भी नहीं आ सकता, किसी पेपर किसी टेस्ट में नहीं आ सकता, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, आसान हो या मुश्किल चीज,
पता है तो आसान है भाई, नहीं पता तो मुश्किल ही है ना। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है। तो बेटा याद रखिए आसान है, बांग्लादेश इसका आंसर है, ठीक है, बचपन में एमबीए वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोलॉजी जो कॉइन किया गया था 1866 में कॉइन किया गया था, सवाल पूछा है किसके द्वारा, ये वर्ड जो है इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दी, ठीक है, ये जो टर्म इकोलॉजी है ये किसके द्वारा दी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो टर्म इकोलॉजी है ये किसके द्वारा दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, एस्टन हैकल के द्वारा, ठीक है, एस्टन हैकल के द्वारा। गलत होते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा, गलत क्वेश्चन वो होते हैं जो हमने ना सोचा हो कि हाँ हमें आते हैं और उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन कि आता होगा, कईयों ने पढ़ा होगा, तो फिर भी गलत, फिर भी गलत कही, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बायो ज्योग्राफिकल जोन इन इंडिया। तो ये आसान क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन के आसान ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ ना तो उस हिसाब से ये आसान है क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे इसमें हॉटस्पॉट नहीं बोल रहा है, आपसे इसमें हॉटस्पॉट नहीं बोल रहा है, सिर्फ बायो ज्योग्राफिकल जोन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, बायो ज्योग्राफिकल जोन बोल रहा है, हॉटस्पॉट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, शेयर करना सेशन को जल्दी से बताएगा, ठीक है। हॉटस्पॉट नहीं बोल रहा है, बायो ज्योग्राफिकल जोन बोल रहा है, चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 10, ठीक है, 10 है। अब इधर अगर हॉटस्पॉट बोलता ना तो आंसर 3 हो जाता, ठीक है। अभी इधर बायो ज्योग्राफिकल जोन बोल रहा है तो 10 है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस, टीयर गैस का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से देखो। जो टीयर गैस है, रासायनिक रूप जो होता है इसका, इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है, बताइए टीयर गैस का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा कि भाई टीयर गैस का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। ठीक है चलो आसान क्वेश्चन है, टीयर गैस का केमिकल फॉर्मूला जो निकले नेम है वो है क्लोरो, ठीक है, एसिटोफिनोन, ठीक है, आंसर क्या है, क्लोरो एसिटोफिनोन इसका आंसर, ठीक है चलिए आंसर है क्लोरो एसिटोफिनोन है। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए, ठीक है, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है, जल्दी से बताओ बेटा, शेयर भी करना, और अगर आप मेरे प्लस कोर्सेस एक्सेस कर रहे हो तो डू यूज लाइव अमन रेफर कोड, इस रेफर कोड से आपको मेरे प्लस कोर्सेस आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इन प्लस कोर्सेस को जरूर एक्सेस करें। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि भाई कॉमन नेम क्या है वॉशिंग सोडा का, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन आसान है बेटा, अगर आप पहले से आते हैं आपको क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं आते पहले से फिर तो सीखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें कर सकते हो, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो सीख लो, ठीक है, नहीं आते तो सीख लो। आंसर इसका ये है, सन की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, सन की जो सबसे भारी परत है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, इतना फेमस है ये सन की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि इतना फेमस है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा, बताइए क्या सुना आपने, ठीक है, लास्ट ईयर सब कुछ आपने इसी से संबंधित सुना हुआ है, ठीक है, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ संबंधित है किससे, कोरोना से, ठीक है, वैसे दिस इज नॉट द डिसीज कोरोना, ठीक है, अलग से लेयर जो होती है कोरोना होती है, ठीक है। और क्वेश्चन अफ्सफा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो है, ठीक, आर्म फोर्सेस जो है उनको स्पेशल पावर दी है कुछ स्टेट्स में, कुछ लोकेशंस में, ठीक है, ये कौन से वर्ष में पास किया गया, बहुत विवादों का ये एक्ट है, विवाद होते हैं इसमें कि बहुत से लोग इसको सही नहीं मानते, बहुत से आर्मी पर्सनल
इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी करते हैं, तो ये विवादित है। तो सर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अगर मैं बात करूं, ये कौन से वर्ष में पास किया गया, तो आंसर क्या इसका 1958 में पास किया गया, बहुत महत्वपूर्ण सा, ठीक है, 1958 में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, असम स्टेट के बोर्ड ऑफ सर आप सभी जानते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एक पुलिस रैंक भी दी गई है, ठीक है, पुलिसिंग रैंक भी दी गई है डीएसपी आई थिंक, ठीक है, पता है। असम स्टेट के स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी जानते हैं इसका क्वेश्चन का तो आंसर आता ही होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, हिमा दास, ठीक है, हिमा दास आंसर है। ठीक है, आसाम जो है स्टेट की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हिमा दास। ठीक है, कुछ नहीं, सुपरनोवा इज व्हाट, सुपरनोवा क्या है, कमेंट करिए सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरनोवा। अभी ये गलत होता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है कि भाई सुपरनोवा एक कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, एक्सप्लोडिंग स्टार है, ब्लैक होल है, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, आंसर इसका एक्सप्लोडिंग स्टार। ठीक है, ये सन से भी ज्यादा बुजुर्ग जो स्टार होते हैं ना, जैसे लाइक सन से भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स है उतने अगर इनके एज हो तो वो एक्सप्लोडिंग स्टार होते हैं, ये ब्लास्ट हो जाते हैं स्टार। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपको दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा इसमें से स्पोर्ट्स है जिसमें टर्म इंटरफेरेंस यूज किया जाता है, इंटरफेरेंस टर्म यूज किया जाता है कौन से स्पोर्ट्स में, मतलब इंटरफेरेंस टर्म जो है कौन से स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कि भाई ये जो टर्म इंटरफेरेंस है किसमें यूज किया जाता है, याद रखिएगा चेस में यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें, चेस जो है इसमें ये टर्म यूज की जाती है इंटरफेरेंस। ठीक है, याद रखिए इंटरफेरेंस इसका आंसर है बेटा। जब भी अगर आप, जैसे आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आपका फोकस रहना चाहिए थ्योरी और कंसेप्ट में, जो कि मैं आपके एसएससी कोर्सेज में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके कोर्स 18 तारीख से लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, लाइव ओवर रेफर कोड यूज करिए, मतलब क्लास है 18 तारीख से। ठीक है, लाइव तो हो चुके हैं। ठीक है, इसका फीस बहुत कम है और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे मेरे साथ साथ, रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ कवर होने वाला है, थ्योरी और कंसेप्ट पे फोकस रहेगा सारा। तो आप एसएससी कोर्स में जुड़ सकते हो, फुल कंप्लीट नोट्स के साथ मिलेगा, ये रेफर कोड है लाइव अमन। ठीक है, आप एक्सेस करोगे अनअकैडमी में, एसएससी कोर्स पे जाओगे तो जब आप इस रेफर कोड को यूज करोगे तो आपका एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कौन से वर्ष में पास किया गया था, जल्दी से बताइएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है ये कौन से वर्ष में पास किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताइए, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन है 1985। तो आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बस ये है कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए फैक्ट क्या है। ठीक है, बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू, देखो यार प्लांट जो बनाना प्लांट है उसका जो बंची टॉप हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, फंजाय बैक्टीरिया, किसकी वजह से होता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये किसकी वजह से होता है पॉसिबल, जल्दी से कमेंट करना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या बेटा, वायरस की वजह से, किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो एक और देखते हैं। इसके बाद हाउ ओल्ड इज द अर्थ, अर्थ कितना पुराना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कितने बिलियन पुराना है, लेकिन फिर भी डिटरमाइन करने की प्रोसेस कौन सी, बताइए डिटरमाइन करने की कौन सी प्रोसेस है, अर्थ कितना पुराना है, हाउ यू कैन डिटरमाइन। ठीक है, प्रोसेस है इसकी। ठीक है, आप फॉसिल डेटिंग से पता नहीं लगेगा बेटा, फॉसिल डेटिंग से हमें सिर्फ ये पता लगता है कौन सा ऑब्जेक्ट कितना पुराना, अर्थ पुराने का नहीं पता चलता। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, फॉसिल डेटिंग जितने भी बच्चे ये आंसर बता रहे थे वो गलत बता रहे। ठीक है, याद रखिएगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है, अर्थ कितना पुराना है ये जानने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग।
देखो जब हम लाइव टेस्ट पढ़ते हैं ना, तब हमें ना ये चीज समझ आती है कि हाँ यार हमारा जो पहले से कंसेप्ट था वो गलत था। ठीक है, हमारा पहले से कंसेप्ट गलत था कि हमने ये पढ़ा हुआ था और ये तो है ही नहीं। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए। लॉयन टेल मकाओ एक बंदर का टाइप है, मंकी टाइप होता है ये। ठीक है, ये मंकी टाइप होता है, ये फेमस है कौन सी जगह पे? ये नीलगिरी हिल्स में फेमस है। आप बताइए कौन से घाट में होगा, जल्दी से बताइए कौन सी लोकेशन में होगा, नीलगिरी हिल्स में फेमस है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नीलगिरी हिल्स में फेमस है तो कौन से घाट में होगा या कौन सी लोकेशन में होगा। ठीक है चलो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इसका आंसर, क्योंकि ये ना एग्जैक्टली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये इधर पाया जाता है, इधर पाया जाता है नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, तो इस वजह से वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट भी इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि ये पाया ही इस तरफ जाता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट आईआईसी जो है, ठीक है, इंडियन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने थे। ठीक है, बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई कौन बने थे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने थे, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, जगमोहन धालमिया। ठीक है, जगमोहन धालमिया है, नाम सुना होगा, शरद पवार नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे ये भी लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल इसमें से इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है इससे संबंधित है, जल्दी से कौन सा आर्टिकल। बेटा अभी ना 10 बजे हम क्लास करने वाले हैं अनअकैडमी, ठीक है, वो जरूर एक्सेस करेगा, मैं आपको प्रोफाइल बता चुका हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी जो आप वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, उसके नीचे ही लिखा हुआ है फॉलो अमन सर अनअकैडमी, उसको फॉलो करें और क्लासेस स्पेशल क्लासेस में जाके लाइव अमन रेफर कोड यूज करें। ठीक है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, तो आंसर आर्टिकल 324। हाँ जी, रेड प्लेनेट कौन सा, आसान क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रेड प्लेनेट है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रेड प्लेनेट है, जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्स इसका आंसर है। ठीक है, मार्स इसका आंसर, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, आसान क्वेश्चन कि भाई भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का गंगा, ऑब्वियसली गंगा है। करेगारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट है, बेटा छोटा सा लाइव टेस्ट है। ठीक है, हार्डली 30 मिनट्स है, सुबह डेली 9 बजे होता है। ठीक है, मतलब हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं इस टेस्ट के साथ, सुबह 9 बजे डेली हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, मतलब डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे ये टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, तो इसका आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, आपको ना इसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि आप सुबह सुबह उठ भी जाओगे, एक छोटा सा 30 मिनट में प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है, ये काम कर लो सारे के सारे। ठीक है, बेनिफिशियल है ये टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट बेनिफिशियल आंसर है इस क्वेश्चन का, मध्य प्रदेश इसका आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताएगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन हुआ। ठीक है बेटा, आपको क्या करना पड़ता है, देखो आप ना ढूंढते हो, आप ना सर्च करते हो नाम से मेरे। ठीक है, आप चैनल के नाम से सर्च करो, अगर आप वाईफाई स्टडी स्टूडियो सर्च करोगे ना सुबह सुबह और टाइमिंग पे, जैसे मेरा 9 बजे सेशन होता है तो 9 बजे सर्च करोगे तो आपको ऑब्वियसली इस चैनल को ओपन करने के बाद मेरा ही क्लास मिलेगा ना,
ठीक है, तो ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप चैनल को सर्च करिए, मेरा 5 बजे लूसेंट होता है तो 5 बजे वाईफाई स्टडी सर्च करो, वाईफाई स्टडी सर्च करोगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मेरा क्लास आगे दिखाई देगा 5 बजे। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? ठीक है, आंसर इसका विशाखापट्टनम है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो दो बॉडी के बीच में किस चीज पे आधारित होती है? ठीक है, दो बॉडी में किस चीज पे आधारित होती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दो बॉडी में जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखिए, शेविंग मिरर इज व्हाट? ठीक है, शेविंग मिरर इज व्हाट, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का? ठीक है, जल्दी सोचिए। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? कनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, लाइट टेस्ट डेली हो रहा है 10-15 पे, लेकिन सुबह 9 बजे भी हमें कराने लग गया। ठीक है, नाम धाप नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में? जल्दी से देख, कौन सी स्टेट में, जल्दी से देख। ठीक है, चलिए आंसर क्या है? ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नाम धाप नेशनल पार्क जो है, कौन सी पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से देख। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, जल्दी से देख, कौन सी जगह पे पब्लिश किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भारत का? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? चलो जी, हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर 10 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, फिर 10 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, फिर जुड़ेंगे 10 बजे। ठीक है बेटा, आंसर क्या इसका? देहरादून है। 2 क्वेश्चन बचे, एनर्जी ऑफ सन, 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद हम 10 बजे जुड़ेंगे अनअकैडमी पे। आप बस क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, ते लिखा हुआ है फॉलो अवंस और अनअकैडमी, उस लिंक को ओपन करो और स्पेशल क्लासेस में जाके लाइव अमन रेफर कोड से एक्सेस कर लो। मेरे प्लस कोर्सेस का कोड भी वही है, फ्री क्लासेस का कोड भी वही है। ठीक है, एनर्जी ऑफ सन इज न्यूक्लियर फीजर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिए, सोलर रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड एज? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? सोलर रेडिएशन कमिंग टू द अर्थ इज कॉल्ड एज, आंसर क्या है? इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन कहते हैं। फाइनल क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हम लेंस और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि भाई एक टेलीस्कोप है दूसरा माइक्रोस्कोप, कैसे हम फर्क पता कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों में से कौन सा क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कैसे पता करना है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का? ठीक है, तो भाई आंसर है इसका साइज ऑफ लेंस। तो जो भी बच्चा देख रहा है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे वाला सेशन, मैं आपको स्पीडी साइज कराऊंगा 8 बजे जो होता है रेगुलर। ठीक है, अभी जो यूट्यूब सेशन आपको अगर देख रहे हैं ना इसके बाद, तो आप वाईफाई स्टडी पे सर्च करना 5 बजे वाईफाई स्टडी, आपको मेरा लूसेंट सीरीज दिखाई देगा। ठीक है, आपको लूसेंट सीरीज दिखाई देगा, आपको उसमें जुड़ना है। पहली बार अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो डू सर्च इंडियन पॉलिटी, अगर पहली बार पढ़ रहे हो वो बच्चा सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं, देखो पहली बार पढ़ने वाले को ये करना ही करना है। ठीक है, दिस इज मस्ट। अगर आपने इंडियन पॉलिटी सर्च किया तो आपको ये थंबनेल मिलेगा, इसको जरूर ओपन करके देखिएगा, 5-10 मिनट जरूर ओपन करके देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो सेव इट कि 6 घंटे आप पढ़ सको, इसे पूरे पॉलिटी कवर कर सको। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अनअकैडमी पे बेटा। जो भी बच्चा देख रहा है, जैसे आप बीइंग एजुकेटर, मैं आपको एक चीज गाइड कर सकता हूँ, इन टीचर से अगर आपने पढ़ लिया ना अनअकैडमी पे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, पहली बात, सिंपल सी बात यह है, बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं पूरे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के, तो आप उनसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखेंगे। गोर SSC सिलेक्ट करिए, ठीक है, गेट्स में क्लिक करिए, अनअकैडमी पे जाके आपको क्या करना है, SSC गोल सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है, फिर रेफर कोड यूज करना है, इधर लाइव अमन, ये रेफर कोड यूज करना है, रेफर कोड है, रेफर कोड में इससे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आप ये काम कर लीजिए, सेशन को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे 10 बजे। ठीक है, मिलते हैं आपसे 10 बजे। ठीक है,
चलिए बाय बाय, थैंक यू।